बहुत जल्दी दुनिया, जिसको हम विकसित देश कहते हैं, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं ना, वो सब में ह्यूमन रिसोर्स ये कमोडिटी बन चुका है. ओके, मतलब इट हैज़ बिकम अ कमोडिटी. इट इज़ नो मोर जीता जागता इंसान भी इंसान कुछ नहीं है. बट दैट इज मोर इन यूएस, मोर यूएस में ज़्यादा है, यूरोप में भी है. हाँ, और यूरोप में कुछ, हाँ, अपने यहाँ भी दिख रहा है, अपने यहाँ भी शुरू हुई है. और ये हम नहीं समझेंगे तो बहुत, क्योंकि हमको 40 साल लगेंगे नहीं कॉपी करने को. ओके, हम ओवरनाइट भी हो सकते हैं. लेकिन थोड़े हमारे धागे कुछ और है जिसके बारे में कभी बात करेंगे. एक मेश डिफरेंट है. ओके, तो वो इतना धोखा नहीं अगर हम समझ पाए तो. लेकिन अभी उनके, उनको जो बैड इफेक्ट है वो उनके सामने आ रहे हैं, तो वो भी अभी बदल रहे हैं उनके जीने के तरीके. वो मैंने देखा था. तो ये कमोडिटी करने का है ना, मेरा दुख भी कमोडिटी है, मेरा आनंद भी कमोडिटी है, मेरी ईर्ष्या भी कमोडिटी है, मेरी होड़ भी कमोडिटी है. वो सब कमोडिटी, सब बिकता और सबका प्रोडक्ट मिलता है, सब बिकता है, सब बिकता है. सो ये इसके मेरे ख्याल से एक और भी किस्सा आप बता रहे थे कि एक कोई आपके दोस्त हैं जिस दिन ये हुआ 9/11. तो हम लोग कलीग थे. हाँ. और वो मेरे साथ काम करते थे. तो जैसे ये सब हुआ, हमने सबको फ़ोन किए, लोग कोई इसमें है क्या, किसका फियांसे है क्या, कोई वाइफ है क्या, हस्बैंड बच्चा है, कौन कहाँ फंसे. सब 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 फंसे हमारे पास अंडर, काफ़ी लोग थे मेरे. तो हम पूछे, फिर हम निकले 1 बजे अराउंड. तो उसने कहा हम सबवे में जाके सैंडविच खाते. मैंने कहा अच्छा बात है. वहाँ पे भी इंसान, आम आदमी सब जगह सेम है. वैसे जैसे मैं कमोडिटी कहता हूँ वैसे उसकी कमोडिटी बनाते हैं लोग, लेकिन उसकी जो बुनियादी उसूल है वैसे ही है. रास्ते में लोग मुफ्त में हॉट डॉग वगैरह दे रहे थे, बेच नहीं रहा था कोई, क्योंकि बड़ा शौक का माहौल था. तो ये जो आदमी था, ये मेरा दोस्त था, तो बोला सबवे में चलते. तो मुझे कहा अच्छा हुआ उसके साथ बात करने को, इट्स अ गुड टाइम, बिकॉज आई कैन नॉट आस्क इन अ मीटिंग कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ये तो बहुत ही मतलब गलत तरीके का सवाल होता. तो मैंने कहा इससे वन ऑन वन बात कर पाऊंगा कि कैसे लगता है आपको पर्ल हार्बर के बाद में अभी अटैक हुआ है अमेरिका पे, इतने सालों बाद, 5-6 दशकों के बाद. तो मैंने बोला अपने टाइम मिलेगा. लेकिन हम वहाँ गए, टेबल पे वो बैठा था, मैं बैठा था, सैंडविच हमने आधा आधा फीट का वो सैंडविच लिया. वो खा रहा था, उसकी आँखों में कुछ नहीं था, ना दुख था, ना कोई सोच थी. मैं देखता रहा, वो इतना शांत और इतना जिसको कहते हैं ना काम था. वो ऐसे एक्साइटेड नहीं था. अगर होता तो मैं इंपल्स पकड़ के उसको सवाल करता, लेकिन उसने वो धागा दिया ही नहीं मेरे लिए पूछने को. वो बैठा रहा लाइक अ पोकर फेस. खाना खाया, निकले हम, कार अलग अलग जगह पार्क थी. तो मैंने कार पे गया, तो उसने मुझे हाथ किया कि 1 मिनट मैं आता हूँ. वो कार लेके आया. मैंने बोला क्या, बोलता है कितने पैसे है तुम्हारे पास. मैंने कहा होंगे, बोलता है 100,000 डॉलर्स होंगे सेविंग में. मैंने बोला हो सकते हैं. मैंने बोला क्या, नहीं बोलते. तो मुझे लगा कोई मदद का मतलब कोई फंड बना रहा है कि इसमें लोगों को मदद करेंगे. तो मैंने कहा क्या प्लान है. बोलता नहीं अभी मैं घर जाता हूँ तो किस दोस्तों को फ़ोन करता हूँ 4-5 बाय 3 or 4 PM, फिर शाम को हम एक बार फ़ोन पे बात करते हैं. हम क्या करेंगे, जैसे $1 million हम इकट्ठा करते हैं, 1.5 मिलियन, और फिर जो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनके शेयर खरीद लेंगे जब वॉल स्ट्रीट खुलेगा, क्योंकि वो एक हफ्ते में चौगुने हो जाएंगे. वाओ. कार में बैठा निकल गया. मैं कार की तरफ देख रहा. मैंने कहा ये सोच कहाँ से आती है.